दोस्तों साउथ अफ्रीका ने जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है बुरी तरीके से हरा दिया और इसी जीत के साथ दोस्तों साउथ अफ्रीका जो है वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर वन पे पहुंच चुका और इससे दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर काफी ज्यादा उछल पुथल हो गया है। तो सारा चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर कौन सी टीम कितने पोजिशन पे और कौन टीम कहाँ है दोस्तों, साउथ अफ्रीका कितने नंबर पर पहुंची, सारा चीज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम क्रिक है, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला था जो कि खेला जा रहा था। कहां दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मुकाबला खेला जा रहा था लखनऊ में खेला जा रहा था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करके 311 रन बनाया 7 विकेट खोकर 50 ओवर में, जिसमें दोस्तों 109 रन की पारी खेली दोस्तों डिकॉक ने। वहीं दोस्तों मार्करम ने 56 रन की पारी खेली और सभी तिम्बाबू ने 35 रन की पारी खेली और 29 रन की पारी जो है क्लासेन खेली, मगर सभी ने मिलकर दोस्तों 311 का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो 177 रन ही बना पाती है और पूरी टीम जो है वो 177 पर ही ऑल आउट हो जाती है 40.5 ओवर में ही, जिसमें दोस्तों सबसे बढ़िया पारी जो खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो मानस लबुस्तेंग ने 46 रन की पारी खेली और स्टार्क ने दोस्तों 27 रन की पारी खेली, बाकी किसी का बल्ला उतना चलता नहीं है। और वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से दोस्तों मार्को यंसन 2 विकेट निकालते हैं, गजिस्को रफाडा 3 विकेट निकालते हैं और केशव महाराज 2 विकेट निकालते हैं और तेवरा सिंह 2 विकेट निकालते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जो है वो 134 रन से जीत जाता है और ये साउथ अफ्रीका की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। वही पॉइंट्स टेबल की बात की दोस्तों साउथ अफ्रीका इसी जीत के साथ दोस्तों जो कि 3 नंबर पर थी वो जो है पहले नंबर पे पहुंच गई है दोस्तों 2 जीत के साथ। और साउथ अफ्रीका जो है रन रेट जो वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है और जो है रन रेट बढ़ गया साउथ अफ्रीका का 2.360 जो इसका रन रेट हो गया जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड से काफी ज्यादा है। तो सोच सकते हैं अगर किसी भी टीम को अगर न्यूजीलैंड ये मुकाबला अगर जीतती है तो अगर साउथ अफ्रीका ऊपर पहुंचना चाहती है, एक नंबर पहुंचना चाहती है, तो उसे जो है अगले यानी जिससे उनका मुकाबला होगा उसको जो है बहुत ज्यादा मार्जिन से हराना पड़ेगा न्यूजीलैंड को अगर वो पहले नंबर पर पहुंचना चाहती है। वहीं दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला हो रहा है भारत को जो है एक तरफा मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर वो जो है एक नंबर पर पहुंचना चाहती है, क्योंकि दोस्तों भारत जो है अभी 1500 पॉइंट के साथ दोस्तों 3 नंबर पर। वहीं पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान जो है 4थे नंबर पर दोस्तों 2 मुकाबले में 2 मुकाबला पाकिस्तान में जीता है और लगभग 0.927 रन रेट नेट रन के साथ जो ये 4 नंबर पर। वहीं दोस्तों इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड भी 2 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीता है 1 मुकाबला हारा है और लगभग 2 पॉइंट नेट रन की बात की जाए तो 0.553 का नेट रन रेट है। वहीं बांग्लादेश की बात की है दोस्तों बांग्लादेश अभी माइनस नेट रन में चल रहा है और लगभग 1 मुकाबला ये भी जीता और 1 मुकाबला हारा। बाकी दोस्तों श्रीलंका नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ये चारों टीमें जो है अभी जो है 2 मुकाबलों में से दोनों मुकाबला हार चुकी है और चारों का जो है अभी माइनस में चल रहा है, चारों जो है वो माइनस 1 में चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 9वें नंबर पर पहुंच गया है दोस्तों और लगभग -1.484846 में जो है ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर वापसी करना चाहता है तो उसे जो है आप हर एक मुकाबला जीतना इसके लिए अनिवार्य हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर जो है वो क्वालिफायर करना चाहती है। बाकी दोस्तों ये 4 टीमें जो फिक्स हो गई है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड इंडिया पाकिस्तान, ज्यादा चांस दोस्तों अभी फिलहाल इन्हीं का लग रहा है कि ये क्वालिफाई करेगी, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फिलहाल जो है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की पूरी बात होगी दोस्तों, अफगानिस्तान और नीदरलैंड तो छोटी टीमें बट दोस्तों फिर भी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों दोनों ऐसी टीमें हैं जो दोस्तों अभी तक बेहतरीन तरीके से हर सीजन ये परफॉर्मेंस करती है पर दोस्तों ये सीजन काफी ज्यादा इनका बेकार चल रहा है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए 5-टाइम वर्ल्ड कप चैंपियंस, उनका ये बुरा हाल क्यों हो रहा है इस साल पता नहीं दोस्तों, उनकी टीम में सारे खिलाड़ी उन फॉर्म में नहीं नजर आ रहे, यही कारण है दोस्तों जिस कारण से वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे इस सीजन, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सिर्फ और पॉइंट्स टेबल के हाल जाने के लिए जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इसका नाम है क्रिक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।